नमस्कार दोस्तों, प्राचीन सनातन ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी ने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा। मधुमक्खी के छत्ते के बारे में आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। कृपा करके इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी ढंग से प्राप्त हो सके, समझ में आ सके। मधुमक्खी का छत्ता होता है जिसे मधुमक्खी बड़ी मेहनत से परिश्रम से बनाती है, और हिंदू पुराणों के अनुसार मधुमक्खी के छत्ते में एक दैविक शक्ति छुपी होती है। तांत्रिक शक्ति जो है वो छुपी होती है जिसे आप अपनी मनोकामना परिपूर्ण कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, हिंदू पुराण के हिसाब से मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी का छत्ता सबसे शुभ माना जाता है, जो आपकी हर मनोकामना को परिपूर्ण कर देता है। चाहे जितनी भी बड़ी मनोकामना है, कितनी भी कठिन मनोकामना है, वो आपकी पूरी होकर ही रहेगी। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, दारिद्रता बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, पीछा ही नहीं छोड़ रही, शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको मानसिक रूप से कुछ ना कुछ परेशानी होती है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मधुमक्खी के छत्ते का इस्तेमाल करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं, मनोकामना पूर्ति करवा सकते हैं, शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, गरीब दारिद्रता से छुटकारा पा सकते हैं। उसी के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसीलिए मधुमक्खी के छत्ते से जुड़ी कुछ तांत्रिक प्रयोग जो आपको करना है, और वो बहुत ही आसान से सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित ही कितनी भी बड़ी समस्या हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, सबका निवारण आपको मधुमक्खी के छत्ते से मिल सकता है। आज आपको मधुमक्खी के छत्ते के बारे में वो जानकारी दी जाएगी, वो चमत्कारी गुण पता चल जाएंगे जो आपको केवल सनातन धर्म के प्राचीन शास्त्रों से ही प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, और अगर आप भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले बात जान लीजिए, हिंदू पुराण के हिसाब से मधुमक्खी के छत्ते में माता दुर्गा का वास माना जाता है। लाखों मधुमक्खियों की मेहनत से मधुमक्खी का छत्ता बनता है, और ये जिस जगह बनता है वहाँ पर दैविक शक्तियों का वास होता है। मधुमक्खी अपना छत्ता वहीं पर बनाती है जिस पेड़ पर, जिस घर पर, जिस कमरे में, जहाँ पर भूत पिशाच भी होते हैं, वहाँ पर ही मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, कई बार ऐसी जगह पर, खाली जगह पर, घर पर मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है, और वहाँ पर दैविक शक्ति विराजमान होती है जो कि बहुत ही ताकतवर होती है, और ऐसी जगह ही मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है। जिस प्रकार कोयले की खान में हीरा पाया जाता है, उसी प्रकार से दिव्य शक्ति वहीं पर होती है जहाँ पर मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बनाती है। हिंदू पुराण में साफ साफ कहा गया है कि यदि आपके घर में मधुमक्खी लगातार आ रही है तो आप जान लीजिए कि आपके घर में काला जादू हो रहा है, नकारात्मक शक्ति आपके घर में आ चुकी है, और अब आपको सावधान हो जाना है। दोस्तों, मधुमक्खी अपना छत्ता इसलिए बनाती है ताकि आपको कष्ट से निवारण मिल सके, तांत्रिक ताकतों का इस्तेमाल करके काला जादू, भूत प्रेत, इन सबको भगा सके। इसीलिए मधुमक्खी आपके घर में छत्ता बनाती है ताकि आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर चल जाए। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो आइए जानते हैं मधुमक्खी के कुछ तांत्रिक तरीकों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यदि आपका मन कहीं पर भी नहीं लगता है, कोई काम में मन नहीं लगता है, व्यापार में मन नहीं लगता है, आप हमेशा विचलित रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, भूत प्रेत आपके पीछे पड़े हुए हैं, या आपके ऊपर किसी की भूरी नज़र लग गई है जो आपको किसी भी कार्य में सफल होने नहीं दे रही है, इसीलिए आपको मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो मोम होता है ना, उसको आपको प्राप्त कर लेना है। 11 दिन तक आप जहाँ कहीं भी सोते हैं, जिस कमरे में सोते हैं, वहाँ पर आपको एक दीपक, खाली दीपक लेना है, और उसके अंदर ये मधुमक्खी का ये जो छत्ते का जो मोम है वो रखना है, और उसके ऊपर आपको उसके आसपास या तो बाती लपेट देनी है या कपूर डाल देना है और उसे प्रज्वलित करना है। ध्यान रखें, ये प्रयोग आपको लगातार 11 दिन आपको रात्रि में करना है, 11 बजे के बाद। आपके ऊपर कितना भी बड़ा काला जादू हो, भूत प्रेत पीछे पड़े हों, सब हट जाएंगे, सब दूर हो जाएंगे, आपकी नज़र उतर जाएगी। ये बहुत ही आसान सा उपाय है, केवल 11 दिन लगातार आपको करना है। दूसरी बात यह है कि यदि आपकी मनोकामना कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, और बहुत बड़ी मनोकामना है, बहुत कठिनाई से परिपूर्ण होने वाली मनोकामना है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय विशेषकर तांत्रिक करते हैं, और वही प्रयोग हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, हिंदू पुराण के अनुसार मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आपको आपकी मनोकामना परिपूर्ण करवानी है तो मधुमक्खी के छत्ते का प्रयोग आपको सही तरीके से करना होगा। देखिए, कैसे आपको ये उपाय करना है। मधुमक्खी के छत्ते का जो मोम होता है उसको आपको प्राप्त कर लेना है।
कोई भी एक पीपल का पत्ता आपको लेना है। ध्यान रखना, पीपल का पत्ता केवल और केवल शनिवार के दिन आप तोड़ सकते हैं। पीपल का पत्ता लेना, मधुमक्खी के छत्ते का जो मोम है वो आपको लेना है। और अब आप क्या करना, आपको लगातार 11 दिनों तक नदी के पास जाना है। ध्यान रखना, तालाब के पास नहीं जाना है और आपको नदी के वहां पर बहते हुए जल के वहां पर ही आपको ये उपाय करना है। पीपल के पत्ते के ऊपर आपको ये मधुमक्खी का जो मोम है ये आपको रख करके प्रवाहित कर देना है। किसी भी नदी में आप ये क्रिया कर सकते हैं। ध्यान रखना, जब पीपल के पत्ते पर आप मोम प्रवाहित करेंगे तो आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोलना है। ये उपाय लगातार 11 दिनों तक आपको मनोकामना पूर्ति के लिए करना है। देखो, हिंदू पुराण में आपको साफ साफ लिखा हुआ मिल जाएगा, ये बहुत ही दिव्य शक्ति है, दिव्य उपाय है। ध्यान रखना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए, तीसरी बात, आयुर्वेद के ज्ञान में मधुमक्खी के छत्ते से जो शहद निकलता है उसे कई तरीके से रोग ठीक करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। उसी तरीके से तांत्रिक भाषा में मधुमक्खी के छत्ते से गरीबी और दारिद्रता, भूत प्रेत पिशाच सबको दूर भगाया जा सकता है। यदि आप कर्जे में डूबे हुए हैं, पैसा आपके घर में टिकता नहीं है, पैसों की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो आपको कर्ज मुक्ति के लिए, कर्जों को खत्म करने के लिए आपको बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना है। आपको लेना है लाल कपड़ा। लाल कपड़ा चौकोर होना चाहिए। मधुमक्खी के छत्ते का जो मोम है वो लेकर के आना है और उसी लाल कपड़े में आपको वो मोम रखना है और उसकी आपको पोटली बना देनी है। ठीक है, अब इसे आप किसी भी तिजोरी में रख सकते हैं, अलमारी में रख सकते हैं, जहाँ कहीं भी आप सोना चांदी रखते हैं ना, वहाँ पर आपको रखना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके धन में, आपके सोने चांदी में वृद्धि होना चालू हो जाती है और आप करोड़पति अरबपति किसी भी समय आप बन सकते हैं। ध्यान रखना, ये जो आप पोटली रखेंगे वो आपको सूर्यास्त के बाद रखना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी का वास इस संसार में होता है, वो भ्रमण करती है और उनकी जो शक्ति है वो सबसे प्रभावशाली होती है। तो आप मोम तोड़ करके लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में जरूर रखिएगा। देखिए, अब आपको जो हम तरीका बताने वाले हैं वो है शत्रुओं का क्षय करने के लिए। देखिए, यदि आपको कोई भी शत्रु आपको परेशान कर रहा है, बार बार कुछ ना कुछ कहते रहता है, तो आपको मधुमक्खी का छत्ते का मोम लेना है। ठीक है, साथ में लेना है पीसी हुई काली हल्दी। अब आप क्या करेंगे, मधुमक्खी के छत्ते के मोम के ऊपर आपको काली हल्दी बिल्कुल मिला देना है। जब आप मिलाएंगे तब आपको शत्रु का नाम बोलना है। ठीक है, और उसके बाद ये काली हल्दी मिश्रित मोम जो है ये आपको किसी भी तालाब में फेंक करके आ जाना है। जब आप फेंकेंगे तब भी आपके शत्रु का नाम बोलना है। तालाब, नदी, नहर में आप ये फेंक करके आ सकते हैं। 11 दिन तक आपको लगातार फेंकना है। ये उपाय जो है शत्रुओं का नाश करता है। ध्यान रखना, नाम बोल करके ही आपको फेंकना है। ध्यान रखना, आपका जो भी शत्रु है वो आपसे अच्छे तरीके से बात करने लग जाएगा। यदि आपको वो डराता है तो वो डराना बंद कर देगा, आपके ऊपर वो कुछ भी संहार नहीं कर पाएगा। तो बहुत ही आसान से ये उपाय हैं, कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है उसको मन में धार करके ये उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, ये जो जानकारी हमने आपको दी है बिल्कुल सनातन प्राचीन परंपरा की जानकारी हमने आपको दी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।